हेलो बच्चों जय हिंद जय राजधानी तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉर्म के कई सिस्टम्स ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस कर लिया था है ना और लास्ट में हम लोगों ने सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन और नर्वस सिस्टम भी किया था ठीक है चलो अब कुछ सिस्टम्स और बचे हैं इसको भी डिस्कस करें हम लोग ठीक है तो इसमें हम लोग देखते हैं रिसेप्टर्स ओके या सेंस ऑर्गन्स संवेदांग तो ये अर्थफॉर्म जो केचुआ है बच्चों इसमें कौन कौन से संवेदांग मिलते हैं तो इसमें तीन तरह के संवेदांग मिलेंगे ओके पहला संवेदांग संवेदांग का कार्य क्या होता है बच्चों तो संवेदांग का कार्य होता है कि उद्दीपनों को ग्रहण करना और आवेग उत्पन्न करना संविधान का क्या कार्य होता है कि बाहरी या शरीर के अंदर के स्टिमुलस यानी उद्दीपन को ग्रहण करना और उसे नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करना यानी तंत्रिका आवेग में कन्वर्ट करना परिवर्तित करना और फिर सेंसरी नर्व फाइबर्स संवेदी तंत्रिका तंतुओं द्वारा उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजना ये संविधान का कार्य होता है ठीक है ना तो ये जो अर्थवॉर्म है बच्चों इस अर्थवॉर्म में एपिडर्मल रिसेप्टर्स बकल रिसेप्टर्स और साथ ही साथ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं क्लियर है <coughs> तो चलो जरा एक इसको डिस्कस करें तो ये जो एपिडर्मल uh, रिसेप्टर है बच्चों नाम से ही पता चल रहा है एपिडर्मिस तो बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं और जनरली ये ज़्यादा संख्या में वेंट्रल सरफेस और लेटरल सरफेस अर्थफॉम के वेंट्रल और लेटरल सरफेस पे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं ठीक है और ये जो एपिडर्मल रिसेप्टर्स हैं ठीक है आ, ये मेनली टच रिसेप्टर्स के जैसा काम करते हैं ये अर्थ बोर्न वाइब्रेशन को भी रिसीव करते हैं यानी आ, जो ग्राउंड में कंपन होती है उसे भी ये ग्रहण करते हैं साथ ही साथ कीमो रिसेप्टर के जैसा भी काम करते हैं रसायन संविधान के जैसा भी काम करते हैं तो एक रिसेप्टर में आपको तो पता ही है कि सेंसरी सेल्स होते हैं अनसपोर्टिंग सेल्स होते हैं है ना तो यहाँ देखो ये बीच वाले जो है सेंसरी सेल्स हैं जिसमें ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है और अगल बगल क्या है सपोर्टिंग सेल्स है ठीक है और ये समूचा स्ट्रक्चर जो है क्यूटिकल से कवर्ड है ठीक है तो इस सेंसरी सेल पे जब टच होता है ठीक है स्पर्श होता है तो ये संवेदी जो कोशिकाएं हैं सेंसरी सेल्स देखो नीचे ये सेंसरी सेल्स के नीचे से सेंसरी फाइबर्स निकल रहे हैं नर्व फाइबर्स और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाते हैं है ना तो जब यहाँ पे कोई स्पर्श होता है ठीक है तो ये संवेदी कोशिकाएं जो है, सेंसरी हेयर सेल्स वो उसे रिसीव करते हैं प्राप्त करते हैं और आवेग उत्पन्न करते हैं और वो आवेग जो है इन सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू कहाँ चला जाता है <coughs> ये चला जाता है ब्रेन को तो इससे स्पर्श की अनुभूति होती है अर्थवॉम को ठीक है ना तो एक रिसेप्टर हम लोगों ने देख लिया अब जो दूसरा रिसेप्टर है उसे कहते हैं बकल रिसेप्टर तो नाम से ही पता चल रहा है बकल तो बकल चैम्बर यानी उसके मुख कोष्ट में अर्थवम के मुख कोष्ट में जो है ये रिसेप्टर बकल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना और इनका भी स्ट्रक्चर मोरलेस ऐसा ही होता है ठीक है आ, इन इन बकल रिसेप्टर्स में भी ध्यान रखोगे कि सेंसरी सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये जो बकल रिसेप्टर्स है बच्चों ये फूड के टेस्ट को बताता है ठीक है कीमो रिसेप्टर के जैसा भी काम करता है रसायन संवेदांग के जैसा और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर के जैसा भी काम करता है ऑल्फेक्टो रिसेप्टर्स। तो टेस्ट यानी गस्टेटो रिसेप्टर गस्टेटो रिसेप्टर्स, यानी स्वाद संवेदांग स्वाद संवेदांग ऑलफेक्टोर रिसेप्टर का क्या मतलब हो बच्चों? तो इसका मतलब होता है ध्राण संवेदांग ध्राण संवेदांग ओके ध्राण संवेदांग है तो ये गंध को भोजन के गंध को पहचानता है ठीक है और रसायन तो समझते ही हो और ये जो पहला वाला है ये टेक्टाइल है टेक्टाइल मीन्स टच रिसेप्टर स्पर्श संवेदांग। ओके क्लियर तो दो तरह के संवेदांग हम लोगों ने देख लिए अब ये जो तीसरा संवेदांग है बच्चों इसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाश संवेदांग, ठीक है तो ऐसे अर्थबॉम में कोई नेत्र यानी आइज प्रेजेंट नहीं होते लेकिन अर्थवॉम जो है लाइट के इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करता है मतलब अगर बहुत तेज रोशनी उसके बॉडी पे आपतित की जाए तो वो उससे दूर भागता है तो इसका मतलब है कि प्रकाश संवेदना होती है तो प्रकाश संवेदना के लिए अर्थवॉम में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ठीक है ना तो देखो ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये जनरली कहाँ पर होते हैं इनके डॉर्सल सर्फिस पे होते हैं है। ठीक है ना वेंटल सर्फिस पे नहीं होते डॉर्सल सर्फिस पे होते हैं और ये ज़्यादा संख्या में आगे जो प्रोस्टोमियम है और पेरी यानी पहला जो खंड है उस पर प्रेजेंट होते हैं और जैसे जैसे पीछे की तरफ बढ़ते हैं बॉडी में बॉडी में पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो इंटर नंबर जो है वो कम होने लगता है ठीक है तो ये जो फोटो रिसेप्टर्स है बच्चों इस फोटो रिसेप्टर में क्या है कि इसके बॉडी वाल में एक सिंगल सेल होता है ठीक है ना एक सिंगल सेल रिसेप्टर है ये एक कोशिकीय संविदांग है ये तो ये जो सेल है इस सेल में ये न्यूक्लियस दिख रहा है इसका है ना और इसके अंदर एक साइटो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा और इस साइटोप्लाज में क्या है कि नर्व फाइबर्स का एक जाल होता है जिसे क्या कहते हैं रेटिनीली कहते हैं रेटिनीली ठीक है और ये सारे जो नर्व फाइबर के जाल है अंदर रेटीनीली वो सब इकट्ठा होकर एक सिंगल नर्व फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं जो सेंसरी होता है और आवे को कहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर ले जाता है ठीक है ना इसके अलावा इस सेल के अंदर ठीक है इस सेल के अंदर एक एल शेप एल आकार का जो है वैक्यूल होता है यानी रिक्तिका होती है एल आकार की एक रिक्तिका होती है जो एक क्लियर फ्लूड से भरा होता है ठीक है ना तो इस सेल के अंदर एक एल आकार की रिक्तिका होती है जो एक बहुत ही साफ़ द्रव्य से भरा होता है हाइलिन द्रव्य से भरा होता है और इस वैक्यूल को लेंस या फाओसोम भी कहते हैं फाओसोम। बात समझ में आ गई इसे लेंस या फाओ कहते हैं क्लियर तो जब इस के इस फोटो रिसेप्टर पर प्रकाश का आपतन होता है तो लेंस जो है यानी फाउसोम उसे इन तंत्रिका तंतुओं के जाल पर जिसे रेटेनीली कहते हैं उस परावर्तित करती है और जब लाइट इन तंत्रिका तंतुओं के जाल पर आपतित होती है तो ये तंत्रिका तंतुएं ये जो तंत्रिका तंत्रिका तंतुएं हैं ठीक है, है ना तो ये जब लाइट इस पर आपतित होती है तो ये आवेग उत्पन्न करते हैं और वो आवेग इस सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है जहाँ प्रकाश संवेदना होती है क्लियर है बच्चों ओके तो ये है रिसेप्टर्स ओके तो तीन तरह के रिसेप्टर होंगे एपिडर्म, एपिडर्मल रिसेप्टर होंगे जो मेनली किस चीज़ के लिए होंगे टच यानी स्पर्श के लिए होंगे दूसरा जो है बक्कल रिसेप्टर है जो मेनली किस के, के लिए होगा भोजन के स्वाद के लिए होगा और तीसरा जो है फोटो रिसेप्टर है जो मेनली प्रकाश संवेदना के लिए होगी क्लियर है चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है बच्चों ये अर्थवम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है ना यानी प्रजनन तंत्र ओके <laughs> okay. प्रजनन तंत्र तो अर्थवम एक हर्मा फ्लोडाइट हर्मा फ्लोडाइट यानी बाई सेक्सुअल एनिमल है ठीक है तो सेक्सुअल एनिमल होने का मतलब क्या हुआ उभयलिंगी उभयलिंगी होने का क्या मतलब हुआ यानी एक ही बॉडी में दोनों सेक्स पाए जाएंगे ये नर भी है और खुद मादा भी है ठीक है ना नर और मादा जनन तंत्र एक ही शरीर के अंदर पाए जाते हैं तो इसलिए इसे हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं और इसके अलावा यह ध्यान रखोगे कि ये प्रोटैंड्रस है प्रोटैंड्रस का मतलब क्या <coughs> प्रोटो मतलब फर्स्ट और एंड्रो मींस मेल नर नर जननांग, ठीक है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो अर्थवम जो होता है बच्चों इसमें आ, नर और मादा जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं लेकिन ये ध्यान रखोगे कि इसमें नर जनन तंत्र का परिपक्वन मादा जनन तंत्र से पहले हो जाता है ठीक है ना तो इसीलिए इसे प्रोटेंड्रस कहते हैं क्लियर है चलो अब जरा हम इसके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र ठीक है ना नर जनन तंत्र तो ये जो अर्थवोम है बच्चों इस अर्थवोम के नर जनन तंत्र में कई ऑर्गन्स मिलते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं जैसे सबसे पहला ऑर्गन है टेस्टिस यानी ब्रिशन ओके ब्रिशन तो ये जो टेस्टिस है बच्चों यानी ब्रिशन है ये अर्थवों में दो जोड़ी होती है ठीक है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ये और ये ये इसके टेस्टिस इस है दो जोड़ी एक जोड़ी टेंथ सेगमेंट में मिलेगा ये दसवां सेगमेंट है और एक जोड़ी एलेवेंथ सेगमेंट में मिलेगा ध्यान रहेगा यानी दसवें और ग्यारहवें खंड में एक एक जोड़ी आ, ब्रिशन पाए जाते हैं जो नर जनद यानी मेल गोनेड है और इन्हीं टेस्टिस में ध्यान रखोगे कि स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर रिस्पॉम्बस अपरिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है क्लियर है ओके okay. अब क्या है बच्चों कि ये जो एक जोड़ी टेस्टिस हैं जो एक खंड में है वो एक टेस्टिस सैक, एक थैलीनुमा रचना से घिरा हुआ है ठीक है क्लियर इसे क्या कहेंगे? <coughs> कहेंगे टेस्टिस सैक यानी ब्रिशन कोश ब्रिशन थैली तो ये जो आ, टेस्टिस सैक है ये हर टेंथ और एलेवेंथ खंड में एक एक जोड़ी आ, टेस्टिस को घेरता है ध्यान रहेगा यानी टेस्टिस जो है एक जोड़ी एक खंड का वो टेस्टिस सैक से घिरा होता है क्लियर ये जो टेस्टिस सैक है बच्चों ध्यान रखोगे कि सिलोम का मॉडिफिकेशन है यानी प्रगुहा का ही रूपांतरण है क्लियर अब क्या है कि हर टेस्टिस सैक में तो पहला हो गया है टेस्टिस दूसरा जो पार्ट है वो है टेस्टिस सैक ठीक है ना अब जो तीसरा पार्ट है वो है स्पर्मीडकल फनल ये तो हर सैक में आप देख रहे हो कि एक कीप नुमा रचना प्रेजेंट है जिसे शुक्राणु ग्राही कीप कहते हैं या सेमिनल फनल कहते हैं ठीक है क्या कहेंगे सेमिनल फनल तो इसकी जो ओपनिंग होती है ये जो फिगर में दिख रहा है ठीक है ना ये फनल है है ना एक इधर और एक इधर है तो और दूसरे टेस्टिस सैक में भी नीचे देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है है ना तो दो जोड़ी क्या होते हैं स्पर्मीडकल फनल होते हैं दो जोड़ी स्पर्मीडकल फनल होते हैं यानि सुक्रानुग्राह कीप होते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कीप है इसका जो ओपनिंग होता है सिलिएटेड होता है क्लियर है सिलिएटेड होता है और सीलिया जो है सुकरानु शुक्राणुओं को या स्पर्मेटोजोआ को अंदर की ओर खींचती है ठीक है ना तो ये जो टेस्टिस है बच्चों ये टेस्टिस शुक्राणु अपरिपक्व शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ को बनाकर टेस्टिस सैक में गिराता है ठीक है अपरिपक्व शुक्राणुओं को किसमें सैक में गिराता है और इस टेस्टिस सैक से होकर इस टेस्टिस सैक से शुक्राणु जो है वो किसमें इस स्पर्मीडक्कल फनल यानी इस शुक्रानुग्राह कीप से होता हुआ इस डक्ट से नीचे आता है क्लियर है सॉरी ये जो आ, ये जो स्पर्मीडक्कल फनल है बच्चों ठीक है इससे नीचे आता है इस वास डिफरेंस के थ्रू इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे ठीक है अब जो ये तीसरा पार्ट है वो है सेमिनल वेसाइकल सॉरी चौथा पार्ट जो है वो है सेमिनल यानी शुक्राशय ओके शुक्राशय बोलते हैं तो अर्थवम में दो जोड़ी शुक्राशय होते हैं एक जोड़ी 11 सेगमेंट में और एक जोड़ी ट्वेल्थ सेगमेंट में देखो ये शुक्राशय है और ये शुक्राशय ठीक है ठेके? तो ये जो शुक्राशय है होता क्या है कि Uh, ये जो टेस्टिस जो टेस्टिस सैक में है है ना तो टेस्टिस सैक जो है दोनों ओर एक छोटी नली द्वारा एक छोटे डक्ट द्वारा सेमिनल वेसाइकल यानी शुक्राशय में खुलते हैं क्लियर है शुक्राशय में खुलते हैं यानी टेस्टिस जब स्पॉम गिराएगा तो वो स्पॉम पहले टेस्टिस सैक में आएगा और फिर इस टेस्टिस सैक से इस छोटी नली के द्वारा सेमिनल विसाइकल में आ जाएगा ठीक है अब इस सेमिनल में उन शुक्राणुओं का डेवलपमेंट और मैचुरेशन होता है यानी परिपक्वन होता है हो, जुआ जो है वो स्पॉम में कन्वर्ट होता है कहा वो होता है सेमिनल विसाइकल में ठीक है ना सेमिनल शुक्राशय में होता है और जब ये परिपक्वन हो जाता है तो परिपक्व शुक्राणु जो है सेमिनल वेसाइकल से ठीक है वापस उसी डक्ट के द्वारा टेस्टिस सैक में आते वापस उसी डक्ट द्वारा टेस्टिस सैक में आते हैं और फिर स्पर्मी डक्कल फनल से होते हुए ये नीचे आते हैं वास डिफरेंस के थ्रू यानी शुक्रवाहिनी के थ्रू एकदम क्लियर है यानी टेस्टिस ने स्पॉम स्पर्मेटो गिराया कहाँ में फिर टेस्टिस सैक से वो छोटी नली के द्वारा सेमिनल वेसाइकल्स में आ गया फिर सेमिनल विसाइकिल में क्या हुआ सेमिनल वेसाइकल में उन स्पर्मेटो का परिपक्वन हुआ फिर परिपक्व होकर वो परिपक्व शुक्राणु बन गए फिर शुक्राणु जो है उन्हीं डक्ट के द्वारा ठीक है उन्हीं डक्ट के द्वारा वापस टेस्टिस सैक में गया और फिर टेस्टिस सैक से स्पर्मी डकल फैनल से होते हुए वास डिफरेंस से वो नीचे आता है क्लियर ओके ये जो सेमिनल वेसाइकल्स हैं बच्चों ये ध्यान रखोगे कि इसे सेप्टल पाउच भी कहते हैं सेप्टल पाउच क्योंकि ये सेप्टा के मॉडिफिकेशन है यानी सेप्टा जो होता है पट दो खंडों के बीच में जो दीवार होती है पट जिसको बोलते हैं उसका ये रूपांतरण है ओके okay. <coughs> अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्या वो है वास डिफरेंस ठीक है तो ये जो दो जोड़ी नलियां दिख रही हैं इन्हें क्या कहते हैं इन्हें वास डिफरेंस कहते हैं ये और ये यहां लिखा होगा वासा डिफरेंसिया ठीक है ना तो वासा डिफरेंसिया यानी शुक्रवाहिनी कहते हैं शुक्रवाहिनी तो ये जो शुक्रवाहिया है स्पर्मी डकल फनल से यानी कीप से नीचे आते हैं तो दो डक्ट नीचे दो डक्ट जो है नीचे इधर आएंगे दो डक्ट इधर ठीक है ना तो ये चार डक्ट है जो परिपक्व शुक्राणुओं का कंडक्शन करते हैं संवहन करते हैं वो नीचे लाते हैं क्लियर अब जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो है प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है ना प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये जो दो बड़े ग्रंथियां देख, देख रहे हो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक है ये सत्रहवें खंड से बीस या इक्कीस खंड तक फैले होते हैं अनियमित आकार के होते हैं ठीक है इन्हें हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है एक फ्लूड सेक्रेट करता है एक <coughs> फ्लूड सेक्रेट करता है जो स्पॉम के कंडक्शन के लिए एक माध्यम का काम करता है ध्यान रहेगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक न्यूट्रिटिव फ्लूड सेक्रेट करता है जो स्पॉम के संवहन के लिए एक माध्यम का काम करता है तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है बच्चों दोनों साइड है ना इनका जो डक्ट होता है इन्हें प्रोस्टेटिक डक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोस्टेटिक डक्ट। तो ये दो वास्ट डिफरेंस और ये प्रोस्टेटिक एक सिंगल ओपनिंग साइड यानी दो ओपनिंग के फॉर्म में अठारह खंड पर खुल जाते हैं वेंट्रल सरफेस पे अर्थवॉर्म के वेंट्रल सरफेस पर अठारवे खंड पे बॉडी से बाहर खुल जाते हैं और इन्हें ही मेल जेनाइटल पोर यानी नर जनन छिद्र कहते हैं ये जो परिपक्व शुक्राणु हैं इन्हीं छिद्र से कहाँ बॉडी से बाहर आता है क्लियर है इन्हीं छिद्रों से बॉडी से बाहर आता है चलो नर जनन तंत्र में एक और पार्ट हम लोग देख ले इसे एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं तो ये जो एक्सेसरी यानी सहायक ग्रंथी है ये जो सहायक ग्रंथियां हैं बच्चों तो ये दो जोड़ी होते हैं और ये सत्रहवे और उन्नीसवें खंड पे प्रेजेंट होते हैं तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि सत्रहवें और उन्नीसवें खंड पे एक एक जोड़ी जेनाइटल पेपली, यानी जनन पप्पल प्रेजेंट होते हैं ठीक है और उन जेनाइटल पेपली के सिर्स पर ये जो सहायक ग्रंथियां हैं उनका उनकी नली खुलती है और ये जो सहायक ग्रंथियां हैं बच्चों एक्सेसरी ग्लैंड ये ध्यान रखोगे कि एक चिपचिपा पदार्थ से क्रिएट करता है जो मैथुन क्रिया के दौरान यानी कॉपुलेशन के दौरान जो है वो आ, दो अर्थवॉम को आपस में चिपकने में हेल्प करता है क्लियर है दो अर्थवॉम को आपस में चिपकने में हेल्प करता है ओके ठीक है तो ये हम लोगों ने नर तंत्र देख लिया चलो अब जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र ठीक है तो मादा जनन तंत्र में बहुत ही आ, कम ऑर्गन्स होते हैं देखो मादा जनन तंत्र में क्या है कि सबसे पहले एक पेयर ओवरी होती है चलो ये है ओवरी तो मादा जनन तंत्र में थर्टीन सेगमेंट तेरहवें खंड में एक जोड़ी अंडाशय होती है जहाँ अंडों का निर्माण होता है और इन अंडासयों में अंडे जो होते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी परिवर्धन के भिन्न अवस्थाओं में लीनियर फैशन में यानी लाइन से वो व्यवस्थित होते हैं लाइन से सजे होते हैं क्लियर है तो ये जो ओवरी है बच्चों एक जोड़ी यहाँ अंडों का फॉर्मेशन होता है और वो अंडे को गिराते हैं नीचे इसी थर्टीन सेगमेंट में देखो ये एक जोड़ी ओवरियन फनल है यानी अंडाशय कीप है तो ये जो अंडाशय कीप है बच्चों इसकी जो ओपनिंग होगी हो वो कहाँ होगी थर्टीन सेगमेंट में होगी और अंडाशय के ठीक नीचे होगी और ये कीप का जो ओपनिंग है कीप की जो ओपनिंग है वो सिलिएटेड होगी यानी रोम युक्त होगी तो ये जो अंडे अंडाशय से नीचे गिरते हैं वो इस कीप के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं यानी अंडे जो है वो ओवरियन फनल से अंदर प्रवेश करते हैं अब ये जो ओवरियन फनल है ये आगे एक एक ट्यूब में खुलता है जिसे ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी कहते हैं ठीक है अंडवाहिनी यानी ओवरियन फनल जो है अंडाशय कीप जो है वो <coughs> अंडवाहिनी से होकर गुजरती है एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है जो कौन से सेगमेंट में होती है फोर्टीन सेगमेंट में ओके okay. तो चौदहवें खंड में एक जोड़ी अंडवाहिनी होती जो है जो अंडों का संवहन करते हैं अब ये दोनों अंडवाहिनी जो है बच्चों आपस में फ्यूज होकर एक छिद्र द्वारा चौदहवें खंड में ही वेंट्रल सतह पर ठीक है ना वेंट्रल सतह पर यानी अधर सतह पर ये खुल जाते हैं एक छिद्र के द्वारा जिसे फीमेल जेनाइटल अपर्चर या फीमेल गोनोपोर कहते हैं फीमेल जेनाइटल अपर्चर या फीमेल गोनोपोर कहते हैं यानी मादा जनन छिद्र बोलते हैं क्लियर तो इ, इसी मादा जनन छिद्र द्वारा अंडे बाहर अनिश्चित अंडे अर्थवॉम की बॉडी से बाहर आते हैं क्लियर है ओके तो ये हम लोगों ने नर और मादा जनन तंत्र डिस्कस कर लिया चलो बात को आगे बढ़ाएं ओके पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट यानी मैथुन निषेचन तथा परिवर्धन ओके बच्चों तो ये जो आ, चुआ है बच्चोंक्सुअल हो तो ये भी इसमें जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी स्वयं नहीं होता यानी एक अर्थबॉम जो है वो अपने अंडे को अपने ही शुक्राणु से निषेचित नहीं कर पाता उसका कारण उसका कारण क्या है तो एक तो कारण है प्रोटैंडस कंडीशन होना यानी पहले नर जनन तंत्र परिपक्व हो जाता है उस समय मादा जनन तंत्र परिपक्व नहीं होता दूसरी शरीर के अंदर जो एनाटमी है यानी अंदर इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है जिससे अंडे तक डायरेक्ट जो है शुक्राणु ट्रांसफ़र किया जा सके ठीक है ना तो इसी लिए इसमें अर्थबॉम में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी पर क्या होता है पर यानी अंडों के निषेचन के लिए दो अर्थवोम की ज़रूरत होती है और ये दोनों अर्थवम जो है आपस में शुक्राणु शेयर करते हैं एक एक अर्थवोम अपना शुक्राणु जो है आ, दूसरे को दूसरे अर्थवम को और दूसरा जो अर्थवम है वो अपना शुक्राणु पहले वाले आ, केचुआ को प्रदान करता है ये जो केचुआ आपस में शुक्राणुओं का एक्सचेंज करते हैं तो इसको रखते कहाँ है बच्चों तो देखो शुक्राणुओं को रखने के लिए इनमें चार जोड़ी थैलियां होती हैं जिस जिसे स्परमैथिकी यानी शुक्राणु धानी कहते हैं शुक्राणु धानी धानी कहते हैं शुक्राणु धानी।, धानी, धानी ओके तो ये जो चार जोड़ी थैलियां हैं ठीक है, है ना ये बहुत छोटे छोटे थैलियां होते हैं जो सेवेंथ, एटथ और नाइन्थ खंडों में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो छिद्र होता है वो फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ सेवेंथ सेवेंथ एथ और एट्थ नाइन्थ ठीक है इन खंडों के एनुलस uh, में वेंट्रल सरफेस पे वेंट्रोलेटल साइड पे खुलते ठीक है ना कहाँ कहाँ खुलते हैं फिफ्थ सिक्स एनुलस सिक्स सेवन्थ एनुलस सेवेंथ एट एनुलस और फिर एटथ एंड नाइन्थ एनुलस में खुलते हैं वेंट्रोलेटल साइड में ठीक है हालांकि ये शुक्रधानी जो होते हैं यानी इस जो होते हैं ये सिक्स सेवन एट नाइन इन चार खंडों में चार जोड़ी प्रेजेंट होते हैं क्लियर है ओके okay. चलो देखते तो पॉपुलेशन जनरली जो अर्थफॉर्म में होता है वो जनरली समर सीजन में होता है मानसून के दौरान और मानसून के बाद भी होता है ठीक है तो इसके लिए क्या होते हैं कि और जनरली ये रात्रि के समय यानी नॉक्चूर्नल हैबिट के होते हैं रात में ही ये बाहर आते हैं तो रात्रि के समय ही ये <coughs> मैथुन क्रिया करते हैं तो इसके लिए क्या होता है कि एक अर्थफॉर्म दूसरे अर्थफॉर्म को सर्च करता है यानी एक अर्थफॉर्म दूसरे अर्थफॉर्म को ढूंढता है जब मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि दोनों जो है अपने अग्र छोर को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं और फिर एक दूसरे से चिपक जाते हैं ठीक है और फिर ये जो अर्थवॉम्ब है एक अर्थवॉम्ब अपने अठारहवें खंड में उपस्थित एक जोड़ी नर जनन छिद्र यानी मेल जेनाइटल पोर को दूसरे अर्थवोम के स्पर्मैथिकल पोर यानी शुक्राणुधानी छिद्रों के सामने लाता है ठीक है और फिर दोनों अर्थबॉम जो है अपने अपने नर जनन छिद्रों को दू एक दूसरे के शुक्राणुधानी छिद्रों के सामने लाता है और शुक्राणुओं के पैकेट से शुक्राणुओं से भरे हुए पैकेट जिसे स्पर्मेटोफोर फोर कहते हैं क्या कहते हैं स्पर्मेटोफोर, फोर ओके स्पर्मेटोफोर फोर से भर देता क्लियर है यानी एक अर्थवॉम जो है अपने मेल जेनाइटल पोर के द्वारा शुक्राणुओं से भरे हुए पैकेट जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं उसे दूसरे अर्थवॉम के स्पर्मैथिकल फोर में यानी शुक्राणुधानी क्षेत्र में ट्रांसफर करता ठीक है और ये जब एक जोड़ी स्पर्मैथिकी यानी शुक्राणु धानी भर जाते हैं तो फिर वो थोड़ा खिसक कर फिर दूसरे जोड़ी फिर तीसरे जोड़ी और फिर चौथे जोड़ी शुक्रानुधानुओं को भरते हैं और जब चारों जोड़ी धानी यानी इस की दोनों के दोनों अर्थबॉम के फुल हो जाते हैं शुक्राणुओं से तो फिर वे अलग हो जाते हैं तो ये कॉपुलेशन यानी मैथुन क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इसमें लगभग एक घंटा लगता है ठीक है ओके तो चलो एक काम हो गया स्पॉम का ट्रांसफर ठीक है ना अब क्या है कि <coughs> ये जो अर्थवम होते हैं बच्चों ठीक है तो इसके मैंने बताया था आपको कि चौदहवें पंद्रहवे और सोलहवें ये जो खंड होते हैं ये फ्यूज होकर एक सिंगल सेगमेंट बनाते एक सिंगल खंड बनाते जिसे क्या कहते हैं क्लाइटेलम यानी प्रयाणक ओके okay. एक सिंगल सेगमेंट बनाते हैं जिसे क्लाइटेलम कहते हैं ठीक है क्लाइटेलम तो ये जो क्लाइटेलम है बच्चों ठीक है एक थिक मोटी ग्लैंडुलर यानी ग्रंथिल पट्टी से ढकी होती है ठीक है तो ये जो पट्टी है इसमें ग्लैंड्स होते हैं जो चिपचिपा स्त्रावण स्त्रावित करते हैं क्लियर तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या होता है कि ये जो क्लाइटेलम है वो बहुत ज्यादा सेक्रेटरी हो जाता है और दोनों के क्लाइटेलम जो है चिपचिपा द्रव्य स्त्रावित करते हैं ओके ये जो चिपचिपा द्रव्य है बच्चों ये एयर के कांटेक्ट में आते ही ये सूख जाता है ड्राई हो जाता है और एक लचीली आ, कवरिंग के जैसा एक लचीली कवरिंग के जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है ठीक है ना इसे कोकून ट्यूब कहते हैं क्या कहते हैं कोकून ट्यूब ओके तो ये एक लचीली ट्यूब होती है जो क्लाइटिलम के ऊपर बनती है क्लाइटिलम के ऊपर इस सिक्रीशन के सूखने से क्लाइटेलम के सिक्रीशन के सूखने से बनती है ओके जब ये ट्यूब का निर्माण हो जाता है तब ये दोनों अर्थवॉर्म जो है विपरीत दिशा में खिसकते हैं ठीक है ना अलग होने के बाद ये अर्थवॉर्म जो है अपने बॉडी को इस ट्यूब से पीछे खींचता है ठीक है तो धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ये अर्थवॉर्म है और ये ट्यूब है तो धीरे धीरे बॉडी जो है उसका इस ट्यूब से बाहर निकलने लगता है ठीक है ना बॉडी जो है इसका इस ट्यूब से बाहर निकल जाता है और कंप्लीटली बाहर आता है लेकिन इस खिसकने के दौरान क्लाइटेलम जो है आपको पता ही होगा कि फोर्टीन सेगमेंट में क्या है मादा जनन छिद्र है जहाँ से अंडे बाहर आएंगे ठीक है तो इस खिसकने के दौरान ट्यूब को आगे बाहर निकालने के दौरान ये जो फीमेल जेनाइटल पोर है यानी मादा जनन छिद्र है इस मादा जनन छिद्र से अंडे ठीक है ना अंडे बाहर निकलने लगते हैं और वो इस कोकुन ट्यूब पे चिपक जाते हैं ठीक ओके okay. उसके बाद जब ये आ, ये जो ट्यूब है जब नर जनन सॉरी जब ये ट्यूब सिक्स सेवेंथ एथ और नाइन्थ इन सेगमेंट को जब इधर आने के दौरान बॉडी को खींचने के दौरान ये ट्यूब जब इन खंडों से होकर गुजरता है सिक्स सेवन एट नाइन तो आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ पे स्पर्मेथिकल पोर खुलते हैं है ना इन आ, इन खंडों के आ, वेंटल सरफेस पे क्या होते हैं स्पर्मैथिकल पोर यानी शुक्राणुधानी छिद्र खुलते हैं तो जब ये ट्यूब इन खंडों से होकर गुजरता है तो उसी समय आ, स्पर्मैथिकी जो होते हैं उसमें संकुचन होता है और वो शुक्राणुओं के पैकेट्स जिसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं तो वो जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं वो भी कहाँ चिपक जाते हैं इस कोकोन ट्यूब्स में खिसक जाते हैं और इस कोकून ट्यूब में चिपक जाते हैं ठीक है और फाइनली जो है देखो अर्थवम इस ट्यूब से बाहर आ जाता है पहले इस ट्यूब के अंदर था अब इसने अपने बॉडी को बाहर खींच लिया ठीक है अब ट्यूब के अंदर क्या है अंडे हैं शुक्राणु हैं है ना इस तरह से ठीक है बॉडी से बाहर आने के बाद ये ट्यूब जो है सिकुड़कर बंद हो जाता है ठीक है बॉडी से बाहर आने के बाद ये ट्यूब जो है कोकून ट्यूब जो है वो सूख कर सिकुड़ जाता और बंद हो जाता इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं कोकून क्या कहते हैं कोकून और इस कोकून के अंदर ये जो अंडे हैं उन्हें शुक्राणु क्या कर देते हैं निषेचित कर देते हैं फर्टिलाइज कर देते हैं ठीक है तो अगर हमसे पूछा जाए कि अर्थवॉम में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है या इंटरनल यानी वाह्य निषेचन हो रहा है या आंतरिक निषेचन हो रहा है तो क्या जवाब देंगे तो हम बताएंगे वाह्य निषेचन क्योंकि देखो बॉडी से बाहर अंडे का निषेचन हो रहा है बॉडी के अंदर निषेचन नहीं हो रहा है ठीक अब इन कोकून्स को ये अर्थवॉम जो है मिट्टी में ही छोड़ देते हैं ठीक है अंदर फर्टिलाइजेशन होगा फिर डेवलपमेंट होगा ठीक है अंडे का ठीक है वो आ, क्लीवेज होगा तो इसमें होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज <laughs> क्लीबेज मींस बिदलन ठीक है तो इसमें क्या होगा ओलोब्लास्टिक एंड अनिकवल क्लीवेज होगा यानी पूर्ण भंजी और असमान समान बिदलन होगा और ये जो निषेचित अंडे हैं ये लगभग तीन सप्ताह में यानी थ्री वीक्स डेवलपमेंट का जो टाइम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का वो क्या है थ्री वीक्स है तो लगभग तीन सप्ताह में ये छोटे छोटे वॉम्स में अर्थवॉम् में यानी बेबी वॉम्स बोल सकते हैं बेबी वॉम्स में परिवर्तित हो जाते हैं तो इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो लगभग तीन सप्ताह में पूरा हो जाता है क्लियर अब जब ये वॉम्स बन जाते हैं बेबी वॉम्स तो ये कवच को आ, कवच से कवच में छेद करके बाहर आ जाते हैं ये कवच को क्रैक कर देते हैं ठीक है और बाहर आ जाते हैं और मिट्टी के अंदर ये चले जाते हैं मिट्टी को खाना शुरू कर देते हैं क्लियर तो डेवलपमेंट जो है अर्थवोम का वो कैसा हम कहेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो अर्थवॉम में डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट कहेंगे यानी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परिवर्धन कहेंगे ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है क्योंकि इसमें कोई लार्वा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ठीक है तो जब किसी एनिमल के लाइफ साइकिल में कोई लार्वा नहीं आता है तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं <coughs> ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और अगर लार्वा आता है तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे इनडायरेक्ट क्लियर है ना तो ये ध्यान रखोगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है ओके ठीक है अब क्या है कि ये जो अर्थबॉम होते बेबी अर्थबॉम होते हैं ये ध्यान रखोगे बच्चों की बिल्कुल एडल्ट अर्थबॉम के जैसे ही होते हैं बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि क्लाइटेलम एब्सेंट होता है और छोटे साइज़ के होते हैं बाकी ये बिल्कुल आ, एडल्ट अर्थबॉम के जैसे ही होते हैं ठीक है एक कोकून से आ, लगभग दो से बीस बेबी बॉम्स प्राप्त हो सकते हैं ठीक है ना ध्यान रहेगा कि एक कोकून से आ, दो से लेकर बीस तक अर्थवॉम बेबी अर्थवॉम हमें मिल सकते हैं ऑन एवरेज चार तो मिल ही जाता है ठीक है ना यानी हर एक कोकून से एवरेज औस्तन चार अर्थवॉम मिल जाते हैं क्लियर है ओके तो हम लोगों ने अर्थवॉम के कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया अब चलो जरा इस अर्थवॉम का हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं या इम्पोर्टेंस देखते हैं महत्व ठीक है ना तो अर्थवम जो है बच्चों ये इसे हम फिशिंग बेट के फॉर्म में यूज करते हैं नदी तालाब के किनारे आपने देखा होगा कि जो लोग मछली पकड़ते हैं ठीक है तो अपने वो एंकर में यानी वो जो फसाने वाला हुक होता है उस हुक में क्या करते हैं कि केचुआ के शरीर को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उन पीसेस को आगे लगा कर मछली का चारा बनाते हैं और उसे पानी में डालते हैं तो मछली जो है वो इन इस चारा को खाने के लिए आती है और फंस जाती है ठीक है तो एक तरह से मछलियों का चारा के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी चीज़ कि ये जो अर्थवॉर्म है इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं फार्मर्स फ्रेंड यानी किसान किसान का दोस्त ठीक है ना किसान का दोस्त कहते हैं इसका क्या मतलब है तो होता क्या है कि अर्थवॉम जो है मिट्टी में होते हैं तो ये मिट्टी को खोदते हैं और मिट्टी को जो है क्या करते हैं ये पोरस बना देते हैं यानी छिद्रित बना देते हैं और इस छिद्रित मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठीक है ना तो इस वजह से हम इसे किसानों का दोस्त या ऐसे एक नेचुरल प्लोमैन यानी प्राकृतिक खेत जोतने वाला भी बोल सकते हैं एनिमल ध्यान रहेगा प्राकृतिक खेत जोतने वाला भी एनिमल बोल सकते हैं ठीक है ठेके? और ये जो मिट्टी के उपजाऊपन को यह बढ़ा रहा है ठीक है उसे पोरस बनाकर तो इस क्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग यानी क्रीमी खाद निर्माण खाद निर्माण बोलते हैं ओके एनी प्रॉब्लम अब इसके अलावा ये जो अर्थबॉम है बच्चों ये भी ध्यान रखोगे कि इसका इस्तेमाल जो है आ, कुछ दवाइयों को बनाने में भी आ, किया जाता है जैसे बाल्डनेस, गंजापन फिर इम्पोटेंसी, इम्पोर्टेंसी ठीक है आदि बीमारियों के इलाज में भी इसका आ, इससे दवाइयाँ बनाई जाती है क्लियर है तो ये आ, हम लोगों ने बच्चों अर्थवोम के बारे में कंप्लीट कर लिया ठीक है तो इस पर सवाल पूछे जाएंगे तो इसे अच्छे से जो है याद करे इसमें सेगमेंट्स वगैरह का नंबर और आ, किस सेगमेंट में कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं ठीक है तो इसे लर्न करने की कोशिश करें दो एक दो बार पढ़े ठीक है तो याद हो जाएगा क्लियर है चलो ये अर्थवा हम लोगों ने कर लिया अब नेक्स्ट जो मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल में जो नेक्स्ट एनिमल है वो है क्या है कॉकरोच तो चलो जरा कॉकरोच को डिस्कस करते हैं <coughs> cockroach. तो कॉकरोच तो आप सभी जानते ही होंगे ये बहुत ही कॉमन एनिमल है है ना और किस फाइलम से बिलोंग करता है ये तो बच्चों ये बिलोंग करता है फाइलम आर्थोपोडा फाइलम आर्थोपोडा जो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है संध है ठीक और किस क्लास से बिलोंग करता है ये तो ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है कीट इसे कहते हैं कीट जो सबसे बड़ा क्लास है पूरे एनिमल किंगडम का ठीक है ऑर्डर ऑर्थो पटेरा या डिक्टियो पटेरा भी बोलते हैं ओके okay. क्लियर <coughs> तो हमने घर में या बाहर कई बार कॉकरोच देखा है है ना तो ये जो कॉकरोच होते हैं ये आ, इनका जो कलर होता है ब्राउन टू ब्लैक हो सकता है ब्राउन टू ब्लैक ठीक है और इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं कॉकरोच के कई स्पीसीज होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्राइट येलो चमकीला पीला इन कलर्स के भी कॉकरोच को जो है ट्रॉपिकल रीजन में देखा गया है ट्रॉपिकल रीजन्स में देखा गया क्लियर है इनका साइज जो होता है वो वन बाई फोर इंच टू थ्री इंच इंचेस, यानी पॉइंट सिक्स टू सेवन पॉइंट सिक्स मिलीमीटर सॉरी सेंटीमीटर तक हो सकता ठीक है क्लियर है इनका जो साइज है वो ये हो सकता है पॉइंट सिक्स टू सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर या वन पॉइंट वन बाई फोर टू थ्री इंचज तक हो सकता है क्लियर ये नॉक्टोरनल होते हैं यानी रात्रिचर ठीक है रात्रिचर होते हैं ओमनी वोरस होते हैं यानी सर्वहारी कुछ भी खा लेते हैं ये ओके ओमनी वोरस होते हैं सर्वहारी और ये कर्सोरियल होते हैं यानी फास्ट रनर कर्सोरियल मीन्स वॉट फास्ट रनर तेजी से दौड़ने वाले होते हैं ठीक है ये जनरली मिलते कहाँ हैं तो ये जनरली डार्क वार्म एंड मॉइश प्लेसेस पर मिलते हैं ध्यान रहेगा ये डार्क वार्म एंड मॉइश यानी जहाँ पे अंधेरा हो गर्म हो गर्मी हो और नमी हो उस जगह पे ये जनरली पाए जाते हैं ये किचन्स में बाथरूम्स में इन सब जगह पे भी मिलते हैं ठीक है ना ओके okay. अब बच्चों ऐसा है कि ये जो अर्थफॉम है ठीक तो इसके बहुत सारे स्पीसीज है ठीक है ना तो इंडिया में जो इसके स्पीसीज है वो दो स्पीसीज बहुत ही कॉमन है एक तो जो स्पीसीज है उसे पेरी अमेरिकाना कहते हैं ठीक है हम लोग जो अपने घर में कॉकरोच देखते हैं वो कौन सा है पेरी प्लानिटा अमेरिकाना है एक और कॉकरोच का टाइप है जो इंडिया में मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लाटा ओरियंटैलिस क्या कहेंगे ब्लाटा ओरियंटेलिस ठीक है ब्लाटा ओरिएंटेलिस इसे कहते हैं ओके तो ये जो ब्लाटा ओरिएंटैलिस है बच्चों ये डार्क ब्राउन कलर का होता है ये ध्यान रखोगे डार्क ब्राउन कलर का और इसमें क्या है कि जो मेल होता है उसमें विंग्स जो होते हैं वो शॉर्टर देन बॉडी शॉर्टर देन बॉडी यानी शरीर से छोटे होते हैं और फीमेल में जो विंग्स होता है वो रूडिमेंट्री होता है ओके okay, फीमेल फीमेल में जो विंग्स होता है वो क्या होता है अवशेषी होता है न के बराबर क्लियर नर में विंग्स होता है जो उसके बॉडी से छोटा होता है क्लियर चलो ये तो हो गया लेकिन हमें जो मेन डिस्कस करना है वो पेरी अमेरिकाना के बारे में डिस्कस करना क्योंकि ये बहुत इंडिया में बहुत ही कॉमन कॉकरोच है ओके okay, तो जीनस पेरी एंड स्पीसीज अमेरिकाना क्लियर तो बच्चों ये जो पेरी अमेरिकाना है चलो जरा इसको देखते हैं तो पेरी अमेरिकाना जो कॉकरोच है बच्चे ये ध्यान रखोगे कि ये पेरी प्लानेटा अमेरिकाना जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का आ, रेडिस ब्राउन कलर का कॉकरोच है ठीक है और इसका जो साइज होता है ये जनरली थ्री फोर फाइव थ्री मिलीमीटर ठीक है ना थर्टी फोर टू फिफ्टी थ्री मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है इसके बीच होती है ठीक है ये रेडिस ब्राउन कलर का होता है इसका बॉडी जो होता है बायोलेट्रली सिमेट्रिकल यानी दुई वो समिति वाला होता है ठीक है और डोरसोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है वेंट्रली फ्लैटेंट <laughs> क्लियर है यानी ऊपर और नीचे से चपटा होता क्लियर इनका शरीर जो है सेगमेंटेड होता है और ये जो सेगमेंटेशन होता है सेगमेंटेशन एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है क्या होता है इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन यानी वाहन खंडन होता है क्लियर अब देखो आ, इनका शरीर जो है फ्लैटन होता है इसके एंटीना लंबे होते हैं ठीक है टांग इनके जो होते हैं लेग्स वगैरह लंबे होते हैं और जो मेल uh, है मेल उसमें क्या होगा कि ये जो विंग्स है इसके वो बॉडी से बाहर तक निकले रहेंगे ठीक है थोड़ा बाहर तक होंगे मेल में क्लियर तो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन uh, ठीक है ना और ये मैंने बता ही दिया कि ये किचन बाथरूम वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह इन सब जगह पे देखने को मिल जाते हैं इनका बॉडी जो है इन्हें हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यानी बॉडी जो है इनका तीन भागों में विभाजनशील है ठीक है पहला जो पार्ट है उसे कहते हैं हेड ठीक है दूसरा जो पार्ट है ये इसे कहते हैं थोरैक्स और बाकी जो ये पार्ट है इसे कहते हैं एब्डोमेन यानी सिर उदर सिर वक्ष और फिर उदर शरीर इनका तीन भागों में बटा होता है हेड थोरैक्स एंड एबडोम ठीक है ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं बच्चों आपको पता ही होगा कि इनका शरीर जो होता है खंडित होता है और काइटीन काइटीनस क्यूटिकल यानी काइटीन के बने क्यूटिकल से ढका होता है काइटीन एक पॉलीसेक्राइड होता है बच्चों ठीक है तो उसकी एक मोट उसकी मोटी परतों का जो है ये आ, इसका बॉडी बॉल बना होता है और ये थोड़ा टफ होने की वजह से एक्जो स्केलेटन यानी वाह कंकाल का भी कार्य करता एक्जो स्केलेटन ठीक है ना वाह कंकाल का भी ये कार्य करता है क्लियर हर खंड इसका जो कॉकरोच का जो प्रत्येक या किसी भी इंसेक्ट का ह, हम अगर बोलना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी इंसेक्ट का जो प्रत्येक खंड है बच्चों ठीक है काइटीन के बने हुए चार प्लेट से चार प्लेट से मिलकर बने होते हैं ठीक है ना काइटीन के चार प्लेट से मिलकर बने होते हैं तो इन प्लेट्स को स्केलेराइट कहते हैं क्या कहते हैं एस्क्लेराइट ओके तो जो डॉर्सल एस्केलेराइट है ठीक है ना बॉडी का जो डॉर्सल एक खंड का जो डॉर्सल प्लेट है इसे हम कहते हैं टर्गम क्या कहेंगे टर्गम और जो वेंट्रल प्लेट है इसे कहेंगे स्टर्नम और ये जो साइड वाला प्लेट है इसे कहते हैं क्या प्लूरॉन टर्गम स्टर्नम एंड प्लूरॉन बात समझ में आई टर्गम स्टर्नम और प्लूरॉन और ये जो चारों प्लेट्स होते हैं बच्चों ये ध्यान रखोगे कि बहुत ही पतली और लचीली झिल्ली द्वारा आपस में जुड़ी होती है इन झिल्लियों को कूलर या आर्थ्रोडियल मेंब्रेन कहते हैं ठीक है यानी इंसेक्ट के बॉडी का प्रत्येक खंड चार काइटिनस प्लेट से मिलकर बना होता है जिन्हें स्केलराइट्स कहते हैं डोर्सल जो होता है उसे टर्गम कहते हैं वेंट्रल स्केलराइड जो होता है उसे स्टर्नम कहते हैं और जो लेटरल एस्कलराइड होता है उसे प्लूरोन कहते हैं और ये चारों प्लेट्स जो होते हैं वो ज, आ, लचीली काइटीनस झिल्ली से ही पतली काइटीनस झिल्ली से ही आपस में जुड़ी होती है जिसे आर्थ्रोडियल मेंब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं तो लचीलापन होने की वजह से ये चारों प्लेट को फ्लेक्सीबिलिटी यानी लचीलापन ही प्रदान करता है ठीक है ओके अब क्या है बच्चों कि आ, इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग जरा देखें मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो कॉकरोच का बॉडी है या किसी भी इंसेक्ट का बॉडी ये तीन पार्ट्स में डिविजुअल होता है हेड थोरैक्स एंड एबडोमिन तो चलो ज़रा इसके हेड के बारे में स्टडी करते हैं ओके okay. तो ये जो कॉकरोच का हेड है बच्चों ये जो कॉकरोच का हेड है ठीक है ना ये ट्रायंगुलर होता।, होता है यानी त्रिकोणाकार होता होता है ठीक है ना त्रिकोणाकार होता ठीक और बॉडी के लंबाई पर यह थीक 90 डिग्री पर इस तरह से झुका होता है ठीक है क्लियर तो इस तरह के हेड के पोजीशन को हाइपोनेथस पोजीशन कहते हैं क्या कहते हैं हाइपोनेथस पोजीशन, क्लियर क्या कहेंगे हाइपोनेथस पोजीशन कहेंगे इसको ओके okay. अब ये जो हेड है ये आ, भी काइटीन के ही प्लेट्स का बना हुआ है और मैंने पहले बताया था कि इंसेक्ट्स का बॉडी जो होता है खंडित होता है तो ये जो कॉकरोच का हेड है या जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनका जो हेड होता है वो ध्यान रखोगे कि सिक्स सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है यानी छः खंडों के मिलने से बनता है। ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो हेड होता है वो छः खंडों के फ्यूजन से बनता है चलो अब जरा इसके हेड के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये जो हेड का जो टॉप है बच्चों इस टॉप को वर्टेक्स या ओसीपुट कहते हैं क्या कहेंगे वर्टेक्स या ओसीपुट क्लियर और इस वर्टेक्स या ओसीपुट को एक इन्वर्टेड वाई शेप्ड, यानी उल्टे वाई आकार के एक सूचर यानी सीवन बोलते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं एपिक्रेनियल सूचर ठीक है एपिक्रेनियल सूचर यानी उल्टे वाई आकार की एक दरार होती है जिसे एपिक्रेनियल सूचर कहते हैं ये सूचर जो है इस वर्टेक्स या ऑसीपुट को दो एपिक्रेनियल प्लेट्स में डिवाइड करता है क्लियर है दो एपिक्रेनियल प्लेट्स में ये विभाजित करता है ओके okay. अब ये जो एपिक्रेनियल प्लेट्स हैं इनके डॉर्सो लिटरल साइड पे ठीक है यानी पृष्ठ पार्श्व भाग में ये एक जोड़ी ब्लैक कलर की और किडनी आकार की कंपाउंड आइज यानी संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं ये जो दिख रहा है ये क्या है ये है कंपाउंड आइज ओके संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं जो फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं यानी यहाँ पे जो है आ, इन दो कंपाउंड आइज के थ्रू जो है कॉकरोच बाहर की दुनिया को देखता Clear है क्लियर है ओके कंपाउंड आई पे आगे हम डिटेल में बात करेंगे ठीक है अब इस कंपाउंड आई के ठीक नीचे ठीक है ये एक जोड़ी छोटे स्पॉट्स दिखते हैं ठीक है ना धब्बे दिखते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रा या ओसेली कहते हैं ओसेली कहते हैं ठीक है ना तो ये जो फेनेस्ट्रा या ओसेली है ये रूडिमेंट्री सिंपल आइज़ होते हैं बच्चों ठीक है यानी अवशेषी सरल नेत्र होते हैं जबकि ये जो है ये कंपाउंड आइज़ है संयुक्त नेत्र है यहाँ पे विजन होगा यानी प्रतिबिंब का निर्माण होगा लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है ये सिर्फ जो है लाइट की तीव्रता को ज्ञात करते हैं उसका पता लगाते हैं है, ओके okay. अब ये जो कंपाउंड आई है बच्चों उसके ठीक नीचे ठीक है एक जोड़ी सॉकेट होते हैं जिसे एंटीनल सॉकेट कहते हैं और उस एंटीनल सॉकेट से एंटीना निकलता है, ठीक है इसके एंटीना निकलते हैं स्पर्शक बोलते हैं ठीक है जो मोटाइल होता है मोटाइल मतलब चलायमान होता है तो ये एंटीनल सॉकेट है और इस एंटीनल सॉकेट से ये एंटीना निकलते हैं। इस तरह से तो एंटीना का जो पहला खंड होता है बच्चों उस एंटीना के प्रथम खंड को इस एंटीना के प्रथम खंड को स्केप कहते हैं और दूसरे खंड को पेडिसील कहते हैं पेडिसल और बाकी जो पार्ट है इसे फ्लैजिलम कहते हैं ओके, <coughs> okay, इसे क्या कहेंगे क्लियर है? है है, तो ये जो ए, एंटीना जो एंटीना होता है, मोटाइल होता है चलायमान होता है और ये स्पर्श संवेदांग तथा गंध संवेदांग जैसा कार्य करता है क्लियर अब देखो ये जो एपिक्रेनियल प्लेट्स हैं दोनों इसके ठीक नीचे एक और प्लेट बड़ा सा दिखता है इसे फ्रॉन्स कहते हैं क्या कहते हैं फ्रॉन्स और इस फ्रॉन्स के ठीक नीचे एक ये जो प्लेट है इसे क्लाइपियस कहते हैं क्लाइपियस और क्लाइपियस के नीचे ये जो प्लेट दिख रहा है इसे लैबरम लैबरम यानी अपर लिप कहते हैं ठीक है लेबरम यानी अपर लिप ऊपरी ओस्ट कहते हैं साइड में ये जो प्लेट दिख रहा है इसे इसे कॉकरोच का चीक यानी गाल कहते हैं और इसे जीना बोलते हैं क्या बोलते हैं जीना क्लियर है बच्चों और बाकी ये सब जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये क्या है माउथ पार्ट्स है ठीक है मुख उपांग है जिससे ये फूड को ग्रहण करते हैं अंत ग्रहण करते हैं चबाते हैं क्लियर है तो हेड का स्ट्रक्चर क्लियर है कि जो टॉप होता है उसको वर्टेक्स या ऑसिपुट कहते हैं और उसे एक आ, उल्टे वाई आकार की दरार एपिक्रेनियल सूचर जो है दो एपिक्रेनियल प्लेट्स में डिवाइड करती है इन प्लेट्स के नीचे ये जो है आ, बड़ा सा जो दिख रहा है ये फ्रॉन्स है फिर इस फ्रॉन्स के नीचे क्लाइपियस है और क्लाइपियस के नीचे क्या है लेब्रम ये प्लेट्स हैं और साइड में एक जोड़ी जो प्लेट है इसे जीना कहते हैं ठीक है ये इसका चीक उतर क्लियर और बाकी जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये इनके क्या है इनके माउथ पार्ट्स हैं क्लियर तो चलो ज़रा हेड को कंप्लीट करें हेड में हमें माउथ पार्ट्स कॉकरोच का जरा डिटेल में पढ़ना है ठीक है ना तो चलो तो देखते कॉकरोच का माउथ पार्ट्स तो देखो मुख उपांग मुख उपांग चलो माउथ uh, पार्ट्स तो ये जैसे अलग अलग इंसेक्ट्स जो होते हैं बच्चों उनका माउथ पार्ट्स अलग अलग आ, प्रकार का होता है ठीक है अब जैसे कॉकरोच है तो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स है उसे हम बाइटिंग एंड चूइंग टाइप कहते हैं ठीक है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप कहते हैं यानी चबाकर आ, खाने वाला प्रकार कहते हैं उसी तरह से अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं अब जैसे फीमेल मॉस्क्यूटो है तो उसका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है यानी स्किन में छेद करके खून को चूसने वाला टाइप का होता है फिर उसी तरह से हाउस फ्लाई जो होते हैं घरेलू मक्खी उनका स्पॉन्जिंग टाइप होता है फिर उसी तरह से बटरफ्लाई जो होते हैं उनका साइफनिंग टाइप होता है वो पराग को खींचते हैं सक करते हैं ना तो अलग अलग प्रकार का होता है तो ये ध्यान रखोगे कि कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स है वो बाइटिंग एंड चुइंग टाइप का और इस माउथ उपांग में कई पार्ट्स है ठीक है ना ये फिगर में देख रहे हो लेब्रम लैबियम मैंडिबल्स मैक्सिला, हाइपोफायरिंग्स तो इनके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज क्लास में आज इस क्लास में बस इतना ही जय हिंद जय राजधानी ओके